है नमस्कार, मैं कुंदन सिंह, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज बात करेंगे सरदार मिल्खा सिंह के बारे में। सरदार मिल्खा सिंह भागने में कोई तेज नहीं थे, वे तेज दौड़ते नहीं थे, इनके बावजूद भी उन्होंने बहुत सारे मेडल जीते। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनका एक गोल बन गया था। हम आपसे पूछ रहे हैं, आपका गोल क्या है? सरदार मिल्खा सिंह कोई तेज दौड़ने में नहीं थे। सबसे पहली बार उन्होंने रेस इसलिए जीते क्योंकि उसको दूध का गिलास चाहिए था। अगर आप मूवी आया था इनके ऊपर बना हुआ था, भाग मिल्खा भाग, अगर आप देखे होंगे तो उनमें आपको पूरे स्टोरी उनका पता चल जाएगा। तो सबसे पहले बार जो उन्होंने रेस जीते, उनको दूध का गिलास चाहिए था। उनके कोच बोले थे, अगर तुम इस रेस में जीत जाते हो तो तुमको एक गिलास दूध का मिलेगा। देखिएगा मूवी में बताया गया है। तो उन्होंने सबसे पहले रेस इसी कारण से जीते थे क्योंकि उनको दूध का गिलास चाहिए था। वह दौड़ते दौड़ते उनके पेट में दर्द स्टार्ट हो गया, वह आधे रास्ते में रुक गया। इसके बाद उनके दोस्त बोले, चल भाग, दूध मिलेगा, दूध। देखिएगा मूवी में दिखलाया गया है। तो अगर आप कोई भी काम करते हैं तो आपको चाहिए क्या, उसके लिए गोल बनाना होगा। वैसे आपको मन नहीं लगा कोई काम करने में, कोई काम को ये करके सोचिए, सोच के चलिएगा जो हमको ये काम से ये फायदा मिलेगा, तो आपको एक फोकस मिल जाएगा उस काम को करने के लिए। समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? आपको उस काम करने के लिए एक फोकस मिल जाएगा जो हमको इस काम को, तो फोकस क्लियर होना चाहिए जो हमको करना क्या है। अभी बहुत से आदमी करते कुछ है, करना क्या है, करते कुछ भी है, मतलब उसका खुद को उसको पता नहीं है जो हम क्या कर रहे हैं, हमको क्या करना है। तो इस बात पर ध्यान देना होगा। इसके बाद दूसरी बार उन्होंने रेस इसलिए जीते क्योंकि उनको जैकेट चाहिए था। इंडिया ब्लेजर, अब ब्लेजर आता है उस पर इंडिया लिखा हुआ था, तो उनको तो उनको उतना पता नहीं था जो मतलब कि रेस में जीतने के बाद वो मिलेगा हमको पहनने के लिए। तो दूसरे खिलाड़ी का था, उन्होंने लेके पहन लिया, तो इसके कारण से उसको थप्पड़ भी पड़ा था, उसको पिटा गया था, बहुत ज़्यादा मारा गया था। तो इसके बाद उसके माइंड में एक जुनून से आ गया जो हमको रेस जीत के इस जैकेट को पहनना है। तो इसी तरह से आप अपने मन में भी कोई ऐसा जुनून पालिए जो हमको ये काम करना है, इसके बाद हमको ये चीज़ मिलेगा, तभी आप कुछ कर पाइएगा। आप उस मूवी को देखिएगा ना, बहुत अच्छा लगेगा उस मूवी देखने के लिए। तो दूसरी बार उन्होंने रेस इसलिए जीते थे क्योंकि उनको जैकेट चाहिए था, पूरे जी जान लगा दिया दौड़ने में और वो रेस जीते, इसका उनको जैकेट भी मिला। तो उनका कोच जो था, उनका बहुत मेहनत है उनको आगे बढ़ाने में। अभी देख लीजिए, नहीं अभी वैसा स्टूडेंट मिलता है, नहीं वैसा टीचर है, अभी के ज़माना में बहुत कम ही मिलेंगे। हम ये नहीं बोल रहे जो नहीं है, है बहुत कम। इसके बाद एक बार पाकिस्तान में वो रेस हार गए, पाकिस्तान में रेस हार के आ गए थे, तो उनका कोच उनको एक पेपर पे लिख के दिए हुए थे 45.9 का, यानी कि 45.9 मीटर आपको ये करना है, दौगना है। तो उसको उन्होंने गुरु नानक जी हैं उनके चरण में रख दिए थे लाके। जब वो पाकिस्तान से रेस हार के आ गए थे तो उनके कोच बोले, वो हमको वापस कर जो हम पेज पे लिख के दिए थे, वापस कर। इसके बाद उनको समझ में आया जो हम गलती किए हैं, इसके बाद उन्होंने इतना मेहनत किया, इतना में रात को भी वह सोते नहीं थे, रात को भी अपना दौड़ करते थे, पहाड़ पे जाके दौड़ करते थे, शांत वातावरण में दौड़ करते थे। यानी कि मेहनत, बिना मेहनत से आप कुछ नहीं कर सकते हैं, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। लाइफ में अगर कुछ करना है ना तो मेहनत करना पड़ेगा, इतना याद रखिएगा। बिना मेहनत से कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, कुछ भी नहीं हो पाएगा बिना मेहनत से। अगर आप चाहिएगा जो बिना मेहनत का कुछ कर ले, कुछ नहीं हो पाएगा। जुनून लाइए अंदर में, बिना जुनून से कुछ नहीं कर सकते आप। जिसके पास जुनून आ गया, समझिए उसके पास अगर जीरो है ना, वो जीरो से हीरो बन जाएगा, और जिसके पास जुनून नहीं है, हीरो है, वो जीरो पे आकर अटक जाएगा। इतना बात याद रखिएगा। इसके बाद टीचर एक ऐसा शब्द है, अगर वो चाहे ना तो किसी को भी कहीं पहुंचा सकता है, लेकिन ऐसा स्टूडेंट भी मिलना चाहिए। याद कीजिए चाणक्य,
चंद्रगुप्त कौन था? चंद्रगुप्त जो था कौन था? उसको रोड से उठा के पूरे भारत का राजा बना दिया था चंद्रगुप्त मौर्य को, चाणक्य। तो टीचर भी वैसा होना चाहिए, नहीं अभी के ज़माना में ऐसा टीचर ही जल्दी मिलते हैं, ना ही स्टूडेंट ही मिलते हैं ऐसा। याद रखिए, जिस रोज़ आपका गोल आ जाएगा माइंड में, हमको ये चीज़ करना है, उस रोज़ आपको कोई नहीं रोक सकता, दुनिया कोई ताकत नहीं रोक सकता आपको। तो एक गोल आना चाहिए, फोकस आना चाहिए, मेन जो हमको करना क्या है, इस चीज़ को लेकर चलिए, आगे बढ़ना ही बढ़ना है, कोई नहीं रोक सकता है। देखिए ना, चींटी को ऊपर चढ़ती है फिर नीचे गिर जाती है, चींटी चढ़ती है ऊपर दीवार पे, देखिए कभी फिर नीचे गिरती है, लेकिन वो मेहनत करना नहीं छोड़ती है कभी भी, लास्ट में देखिए वो अपना मंजिल तक पहुंच ही जाता है। तो ये चीज़ मन में बना के रखिए, हमको क्या करना है लाइफ में, कहाँ पहुँचना है, कोई एक गोल लेके चलिए, कोई नहीं आपको हरा सकता है। जब तक आप करके दिखलाइएगा नहीं दुनिया को, तब तक आपका नाम नहीं होगा। अकेले चलना है, अभी आप अकेले चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमको क्या बोल रहे हैं अगल बगल या दोस्त रिश्तेदार क्या बोल रहे हैं, उस चीज़ को नहीं देखना है, बिल्कुल नहीं देखना है। अकेले चलते रहिए, जब आप कामयाब होइएगा ना, तो आपके पीछे पीछे वही लोग आएंगे, याद रखिएगा इस बात। उस रोज़ बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आता है, इतिहास उलटा के देखिए ना, मैरी कॉम मूवी भी आया है, उसका इतिहास उठा के देखिए, उसके ऊपर भी मूवी आ चुका है, हम अगले कभी अगले वीडियो में उसके बारे में बताएंगे हम। तो मिल्खा सिंह जब भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ था, तो इसके बाद ये भारत में आ गए थे मिल्खा सिंह, ये जाना नहीं चाहते थे, पाकिस्तान में जो रेस हो रहा था वो जाना नहीं चाहते, क्योंकि वो चीज़ देखे हुए थे, दर्द कितना, मतलब कि कत्लेआम वहाँ पर हुआ था, कितना आदमी मारे गए थे बंटवारा के समय में, मूवी में दिखलाया गया ये सब चीज़। तो मेरा कहने का मेन मकसद यही है, चाहे वो स्टूडेंट हो, व्यापारी हो, जो भी हो, कोई बिजनेस करते हैं, हौसला कभी ख़त्म नहीं होने दीजिए, परेशानी आएगा तभी आप आगे बढ़िएगा, दिमाग शांत रहेगा तो आप क्या कुछ नहीं कर पाइएगा। देखते हैं रेस में, देखिए कभी रेस में घोड़े को पीटता है जो घुड़सवार होता है, जानते हैं क्यों? घोड़ा को ये समझ में आता है जो हमको मार रहा है, लेकिन उसको क्यों मार रहा है? जब तक उसको मारेगा तब तक वो तेज भागेगा नहीं। अगर भगवान आपका परीक्षा ले रहे हैं ना, तो समझिए आपको उस लायक बना रहे हैं, जो आपको अगर मान लीजिए आपके पास नॉलेज नहीं है उस चीज़ का, आपके पास बहुत सारा पैसा आ ही जाए तो आप क्या कर लीजिएगा, उस चीज़ को चला पाइएगा, नहीं चला पाइएगा। अगर आपके पास नॉलेज है थोड़ा, देखते हैं बहुत सारा बिजनेस सक्सेस कर जाता है, बहुत सारे आदमी सक्सेस कर जाते हैं थोड़ा कम पूंजी में ही, बहुत आगे निकल जाते हैं, करोड़ों का टर्नओवर कर लेते हैं साल का, क्यों? क्योंकि उसके पास चलाने का दिमाग आ जाता है, कैसे हमको इसको चलाना है, कैसे करना है। तो मिल्खा सिंह के जीवन में बहुत सारा संघर्ष था, इसके बावजूद उन्होंने, उसके दिमाग में गोल आ गया जो हमको ये चीज़ करना है। तो हर एक काम के पीछे कोई ना कोई गोल बना के रखिए, हम ये करेंगे तो इससे हमको क्या होगा, हम ये करेंगे तो इससे हमको क्या होगा, गोल आ जाएगा ना, एक क्लियर गोल आ जाएगा, क्लियर फोकस आ जाएगा माइंड में, आप कुछ भी कर सकते हैं। जुनून बहुत काम का चीज़ है, जुनून को पाल के रखिए, काम देता है। आशा करते हैं हम जो बताए हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी तरह का इंटरेस्टिंग मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में कुछ नया लेके, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।